गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे आज साड़ी वाड़ी पहन के मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइज ससुराल में प्रोग्राम है, वहाँ पर जा रही हूँ। साड़ी पहन ली है मैंने आज, काफी दिनों के बाद साड़ी पहनी है। आज ही के घर पे, चाची के नहीं, आज ही के घर पे भी। हाँ मेरी भी आजी, आपकी भी आजी? नहीं, मेरी सासू माँ है। आपकी आजी है? तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। उसका नाम असली क्या है बताओ? एक्चुअली मैं वहाँ पर प्रोग्राम है ना, इसीलिए जा रहे हैं। मम्मी भी आ रही है, मम्मी भाई दीपाली सब लोग आ रहे हैं। अभी पता नहीं वहाँ पर शूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं पता, क्योंकि अभी वहाँ पर जा रहे हैं, प्रोग्राम में बिजी रहूंगी तो इतना शूट नहीं कर पाऊंगी। इतना क्या अच्छा नहीं लगता वहाँ पर शूट करना, तो इसीलिए वहाँ पर नहीं शूट होगा। घर पे आने के बाद मिलती हूँ आपसे। और हाँ, माही नहीं दिख रही है आपको, माही को हम लोग लेके नहीं आए हैं। क्यों नहीं लेके आए हैं? हाँ, माही दीदी की यूनिट टेस्ट चल रही है ना, इसी वजह से हम लोग लेके नहीं आए हैं माही को। इसके फ्रेंड के साथ माही गई है। देखो मतलब आज स्कूल में छोड़ दिया माही को, और उधर से मतलब जो मेरे पड़ोस की दीदी है वो लेके आएंगे और वहाँ पर ही माही रहेगी। सारा ये डिटेल में बता दे रहा है आपको। और हाँ, हम लोग जल्दी से आ जाएंगे उधर से, प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद जल्दी से आ जाएंगे, क्योंकि माही अकेली रहेगी ना, तो इसीलिए ज्यादा देर अच्छा नहीं लगता। तो और हाँ, ये जो साड़ी है आप लोगों ने देखी हुई है, मीशो से ली थी मैंने। और ये जो ब्लाउज है वो भी आप लोगों ने देखा हुआ है, ये रेडीमेड ब्लाउज लिया था, वो भी मीशो का ही है। ये मीशो हॉल में दिखाई है आपको। सिंपल सी साड़ी है बट मुझे अच्छी लगती है, कपड़ा क्वालिटी अच्छी है इसकी, तो इसीलिए मैंने यही पहन ली आज। सिंपल सी है और ज्यादा कुछ तामझाम नहीं किया है, सिंपल सी रेडी हुई हूँ। चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। तो गाइस प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद हम लोग आ रहे हैं वापस घर पे। मम्मी मेरे साथ आई है, मतलब हमारे कार में, और भाभी और मतलब दीपाली और भाई वो उनके कार में आ रहा है। एक्चुअली ये साथ में तीनों आए थे बट मम्मी बोली कि मैं इनके साथ जाती हूँ, तो इसी वजह से मम्मी हमारे साथ आ गई। बस घर पे जा रहे हैं यहाँ से। प्रोग्राम वहाँ का ख़त्म हुआ, प्रोग्राम में कुछ भी शूट करना नहीं हुआ, इसी वजह से आपसे बात भी नहीं कर पाई, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाया। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो यहाँ पर थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। अद भी कुछ तो भी बात कर रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया है, वो ऐसे ही मेरे साथ बात कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ बातें भी हो जाएंगी और ये शूट भी हो गया। तो यहाँ पर बस घर पे जाने वाले हैं, और दीपाली और हम लोग घर पे पहुँच गए थे। यहाँ पर इतने सारे कपड़े जमा हो गए थे, मतलब बाहर से निकाल के लाए थे मैंने, क्योंकि दो तीन दिनों से तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो कुछ भी नहीं हो पाया। कल मैंने सारे कपड़े वॉश किए, उसके बाद अभी जो कपड़े वॉश करने के लिए निकलेंगे इसमें से, तो वो वॉश करने के लिए डाल दूंगी मशीन में, और बस ये कपड़े फोल्ड करके रख दूंगी। दीपाली भी मेरी हेल्प कर रही है उसमें, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे और मुझसे अकेले से हो ही नहीं रहा था, क्योंकि अभी तबीयत ख़राब थी और अभी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो इसी वजह से। और बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना आना हो रहा है, क्योंकि अभी ससुराल में गई, वहाँ से आई, और इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि आपको क्या ही बताओ। बट अभी आज और गेस्ट आने वाले हैं, वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी कौन आने वाले हैं क्या है। तो बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं आज मेरे घर पे, मतलब ससुराल वाले और मायके वाले दोनों साथ में ही होने वाले हैं आज। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो पहले अभी जो भी ये है क्या बोलते हैं, तो कपड़े हैं उसमें से निकले थे जो, तो वो मैंने अभी वॉशिंग मशीन में डाल दिया है वॉश करने के लिए। यहाँ पर ये भी वॉश हो रहे हैं कपड़े, और उसके बाद थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह भी कर लूँगी, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर डस्टिंग नहीं कर पाई हूँ इतने दिनों से, जब से मायके से आई हूँ ना तब से बीमार ही पड़ गई थी, और उसके बाद डस्टिंग नहीं कर पाई। और हाँ, किसी ने पिछले ब्लॉग में पूछा था कि आपकी वैक्सीन वगैरह कंप्लीट हो गई है क्या, तो हाँ डियर वैक्सीन वगैरह कंप्लीट हो गई है, अभी वायरल चल रहा है। तो हॉस्पिटल में गए थे तो डॉक्टर बोले कि वायरल है, इसी वजह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा ठीक लग भी रहा है मुझे, बट आज एग्जर्शन इतना हुआ कि आपको क्या ही बताऊँ, मतलब वहाँ पर गई, उसके बाद फिर घर पे आई, घर पे आने के बाद फिर डस्टिंग वगैरह ये वो सब कुछ किया, उसके बाद फिर सब लोग आए, तो वो तो आपको आगे देखने के लिए मिल ही जाएगा कौन कौन आया था, कौन कौन आने वाला है,
यहाँ पर बस ये क्लीनिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी मेरी। तो सारी क्लीनिंग मतलब अभी सोफ़ा वगैरह क्लीन किया, उसके बाद नीचे का सब कुछ क्लीन किया, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी डस्ट जमा हो गई थी। घर पे नहीं रहते हैं तो ऐसे ही होता है। और उसके बाद जैसे घर पे आई ना मैं, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाया मुझसे। मतलब घर पे आई और तबीयत ख़राब हो गई। उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग सुबह ही निकले थे, तो उस दिन थोड़ी सी ठंड थी, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ठंड भी थी। तो इसकी वजह से ना मुझे एकदम से फीवर चढ़ गया घर पे आने के बाद। और उसके बाद हम लोग ससुराल भी गए, आपको तो पता ही है, ससुराल से आई और एकदम फीवर चढ़ गया। तो फीवर चढ़ने के बाद मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, घर का कुछ भी काम नहीं हुआ। तो अभी वही कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे जाना है बाहर। एक्चुअली मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं आज, मतलब मेरे नंदे आने वाली है, तो वहाँ पर हम लोग गए थे गांव में, तो अभी ये लेने जाने वाला है नंदों को, मेरे मतलब ननद, मतलब बहुत सारी है इसी वजह से नंदे बोल रही हूँ। तो उनको लेने जाने वाला है, तो उनके लिए अभी खाना बनाना है, सब कुछ करना है। तो उससे पहले मैं जाके आ जाती हूँ, उनके लिए साड़ियाँ वगैरह लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मार्केट बंद हो जाएगा नहीं तो। तो इसीलिए, और कल उनको जाना भी है सुबह, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं आज। तो जल्दी से जाके आती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे, क्योंकि वहाँ पर जो भी होगा वो आपको दिखाई दूंगी। फाइनली जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर रुके हैं। और हाँ, कहाँ से साड़ियाँ लेने वाले हैं वो भी बता दूँ आपको। श्रद्धा से साड़ी लेने वाली हूँ मैं, एक मिनट, श्रद्धा से साड़ी लेने वाली हूँ। तो मतलब तीनों ननद आ रही है मेरी, तो उनके लिए साड़ियाँ लेनी है। और माही भी आई है मेरे साथ, तो मैं अकेली थी, भाई तो रुक गए वहाँ पे कार में ही। और मैं आई हूँ यहाँ पे, जल्दी जल्दी से साड़ियाँ ले लेती हूँ और निकलती हूँ यहाँ से जल्दी, और घर पे जाके उनके लिए खाना भी बनाना है। साड़ियाँ लेना तो हो गया है हमारा, अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे। चलो, साड़ियाँ लेने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, नहीं भाई? हाँ। बिल्कुल भी नहीं, जैसे ही उन्होंने डाली वैसे ही मैंने सिलेक्ट किया। पहले से उनको बोल रखा था कि सिलेक्टेड ही दिखाना ताकि मुझे पसंद आए, तो ऐसे ही उन्होंने दिखाई और ऐसे ही सारी साड़ियाँ सिलेक्ट की और निकल आए। और भाई का वेट कर रहे हैं यार, पता नहीं वो कहाँ चला गया गाड़ी पार्क करने के लिए। गाड़ी यहाँ पर ही पार्क करने के लिए मैंने बोला था उसे, बट पता नहीं कहाँ लगा है उसने। अभी कॉल किया है उसे, आने वाला ही होगा। भाई के साथ आई हूँ ना मैं, इनके साथ नहीं आई, इनको ड्यूटी जाना था, रोल कॉल पे जाना था, इसी वजह से ये उधर गए और अभी भाई के साथ मैं यहाँ पर आई। तो भाई वहाँ पर है, गाड़ी लेके आया। चलो पहुंच गई हूँ घर, अभी करते हैं अपने काम जो भी किचन के है वो। हे गाइस, मैं अपना ब्रांडेड पर्स कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर सारी पर्स मैंने रखी है। एक्चुअली इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी कि ये जो पर्स है वो कहाँ से लिया दी। ये पर्स मैंने आपको दिखाया था मेरे हेयर कलर ब्लॉग में, और ये पर्स आपको इतना ज्यादा पसंद आया था कि सबके कमेंट आ रहे थे कि दी आपने ये कहाँ से लिया, हमें इसका लिंक दो, हमें ये चाहिए। तो मैंने सोचा चलो फाइनली आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि आपका पर्स कलेक्शन शेयर करो, तो मैंने सोचा चलो हैंडबैग कलेक्शन मेरा शेयर ही कर देती हूँ आपके साथ।
तो ये कुछ हैंडबैग्स है जो ब्रांडेड है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करती हूँ, और एक क्लच भी है। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ये जो आपकी फेवरेट बन गई थी येलो कलर की, और मुझे आपको पता ही है कि येलो कलर कितना ज्यादा अच्छा लगता है। ये आप ब्लैक पे ले सकते हो या येलो पे ले सकते हो, कोई भी आउटफिट हो, कोई भी कलर का आउटफिट हो, इसे आप ले सकते हो। येलो कलर ऐसा है कि किसी भी आउटफिट पे सूट हो जाएगा। देखो अभी मैंने ये वाला पहना है, इस पे भी ये सूट हो रहा है, तो ऐसे किसी भी आउटफिट पे ये सूट होगा। और ये वैनोसन की है, मतलब ब्रांडेड बैग है, वैनोसन की है। इसके बाद इसमें आपको ये भी मिल जाता है, वैसे आप ये हैंडबैग की तरह भी यूज कर सकते हो। इसमें मैंने ये भर के ही रख दिया है, मतलब दोबारा से मैं भर के रख देती हूँ, यूज करती हूँ दोबारा से इसमें भर के रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इसकी वजह से इसका शेप नहीं बिगड़ता है। इसके अंदर एक आपको ये पॉकेट भी मिल जाता है छोटा सा, इसमें आप कुछ भी कॉइन वगैरह, कुछ भी आपका जो इम्पोर्टेंट चीजें है वो रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर भी एक आपको पॉकेट मिल जाता है, और इसमें आपको बेल्ट भी मिल जाता है, जैसे कि आप इसे स्लिंग बैग की तरह भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बेल्ट लगाना होता है, तो स्लिंग बैग की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये है, और बहुत ही क्लासी लुक देती है ये, आप देख सकते हो लेने के बाद कितनी अच्छी दिखती है। तो ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद है ये भी वैनोसिन की ही है, बट इसका जो कलर है टील ब्लू कलर है, टील ग्रीन भी बोल सकते हो, हाँ टील ब्लू। इस कलर के मेरे पास बहुत सारे आउटफिट है, इसी वजह से मैंने इसे ली थी। और इसमें भी मैंने ये देखो इस तरह से है, ये यहाँ से ओपन होती है, और इसमें एक चैन दी हुई है, और इसके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा, मतलब इसे भी आप स्लिंग बैग की तरह ले सकते हो। तो ये भी वैनोसन की है। इसके बाद पीछे भी आपको एक पॉकेट मिल जाता है, अंदर भी एक पॉकेट है, तो काफी अच्छे स्पेशियस बैग है। इसके अंदर भी मैंने वो भर के रख दिया है, मतलब इसका शेप खराब ना हो तो आप भर के रख सकते हो इसके अंदर भी, और आप देखो हैंडबैग की तरह भी आप इसे ले सकते हो, बहुत ही प्यारी लगेगी। इसके बाद है ये वाली लाविस की बैग है ये, और कलर देखो कितना प्यारा है। ये वाला कलर आप किसी भी आउटफिट के ऊपर ले सकते हो, मतलब ये जो कलर्स है ना, ये आप ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि यही पर्टिकुलर आउटफिट आपको पहनना है, इस पे ही लेना है, तो ये नहीं सोचना पड़ेगा। और गोल्डन ब्रांडिंग दी हुई है, उसके बाद यहाँ पर चैन भी गोल्डन कलर की दी हुई है, तो इसकी वजह से इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। कलर देखो कितना ज्यादा प्यारा है, क्या बोलते हैं प्लम कलर है। इसके बाद इसके अंदर हम लोग ओपन करते हैं, तो चैन तो गोल्डन कलर की आपको मिल ही जाती है, इसकी वजह से इसका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। इसके अंदर भी मैंने ये भर के रख दिया है, इसे निकालो और दोबारा से भर के रख दो जब आपका यूज हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से इसका शेप खराब नहीं होगा, पहले भी आपको बताया मैंने। इसके अंदर दो पॉकेट मिल जाते हैं आपको, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर चैन वाला पॉकेट मिल जाता है आपको अंदर, इसके अंदर भी आप कुछ रख सकते हो अपनी इंपॉर्टेंट चीजें जो खो ना जाए इसी वजह से। और ऐसे आप जिप बंद कर दोगे तो आपकी ये हैंडबैग रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप इसे भी स्लिंग बैग की तरह ले सकते हो। मैंने ऐसा ही कलेक्शन बनाया है जो आप स्लिंग बैग की तरह भी ले सकते हो और जो हैंडबैग की तरह भी ले सकते हो, मतलब दोनों तरह से यूज हो जाए। उसके बाद यहाँ पर भी पीछे आपको पॉकेट मिल जाता है चैन वाला, तो इसमें भी आप कुछ रख सकते हो अपनी इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये हो गई मेरी लावे की बैग, ये भी ब्रांडेड बैग है आपको पता ही है। उसके बाद मेरे पास है ये क्लच, ये गोल्डन कलर का क्लच है, और बहुत ही प्यारा क्लच है। आप देखो यहाँ पर स्टोन्स दिए हुए हैं, गोल्डन कलर का पूरा क्लच है, यहाँ पर झुमका दिया हुआ है, लटकन दिया हुआ है, इसकी वजह से इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आता है। और गोल्डन कलर का क्लच आपके पास एक होना ही चाहिए। गोल्डन कलर का अगर क्लच आप अपने पास रखते हो ना, तो उससे क्या होगा कि आप कोई भी साड़ी पे ये ले सकते हो, मतलब आप सूट पे भी ले सकते हो, पार्टी वेयर सूट पे या कोई भी साड़ी पे ले सकते हो। गोल्डन कलर का वर्क तो किसी भी साड़ी में होता ही है, और गोल्डन कलर का वर्क कोई भी सूट पे भी होता है, जो पार्टी वेयर सूट्स होते हैं तो उस पे भी होता है, तो आप उसके ऊपर ये ले सकते हो। तो इसी वजह से मैंने एक ये रखा है। तो ये हो गया गाइस मेरा कलेक्शन, जो ब्रांडेड वाला कलेक्शन है, बैग कलेक्शन, हैंडबैग कलेक्शन बोल सकते हो, स्लिंग बैग कलेक्शन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, जो चाहे आपकी मर्जी। और हाँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो भी आपको परचेस करना है इनमें से आप परचेस कर सकते हो। सेपरेट सेपरेट लिंक भी आपको इसके मिल जाएंगे, और एक माय हॉल स्टोर का लिंक भी आपको मिल जाएगा, मतलब आप माय हॉल स्टोर के लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये सारे हैंडबैग एक ही जगह पर मिल जाएंगे, आपको सेपरेट लिंक क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अभी अमेजोन पे सेल चल रहा है, तो काफी अच्छे रिजनेबल प्राइस में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, तो सेल का फायदा उठाइए, और जो भी आपको परचेस करना है इनमें से, जो भी हैंडबैग आपको परचेस करनी है, वो आप परचेस कर सकते हो।
हे गाइज, यहाँ पर मैं काला जामुन बना रही हूँ। एक्चुअली स्वीट में कुछ चाहिए था तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं यही बना लिया, क्योंकि काला जामुन जल्दी से बन जाता है और मुझे प्रैक्टिस भी हो चुकी है। और यहाँ पर दीपाली क्या कर रही है वो भी आपको बता दूँ। दीपाली का फास्ट है तो इसके लिए साबुदाने की खिचड़ी बना रही है वो, और मैं अपना काला जामुन बना रही हूँ। उसके लिए अपना आटा लगा रही हूँ और उसमें मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ। एक्चुअली ये काला जामुन है ना, तो इसमें आप रेड कलर भी डाल सकते हो, मतलब पिंक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, किसी भी कलर का आप बना सकते हो। तो मैं ज़्यादातर ग्रीन कलर की ही बना, दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पर जो पैकेट यूज़ किया मैंने वो चितड़ के हाफ हाफ केजी के पैकेट है, और यहाँ पर ये 1 केजी का डो लगाया है मैंने, मतलब ये आटा लगाया है। बस यहाँ पर आटा लगा दिया है। अभी जो ये है, क्या बोलते हैं, तो लोइया है, वो फ्राई कर लूँगी, उसके बाद वो चाशनी में डालूँगी। और ये ऑयल में ही फ्राई करती हूँ मैं, घी वगैरह में फ्राई नहीं करती। अभी थोड़ी सी दीपाली भी मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और आप देख ही लेना आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है मेहमान, क्योंकि मेरी 3 नंदे आने वाली है, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, मतलब मेरे नंदोई, और ये सब लोग आने वाले हैं। तो इसी वजह से, और मेरे मायके वाले भी हैं, तो बहुत सारा खाना बनाना है आज, तो इसीलिए इतना 1 केजी के ये गुलाब जामुन बन रहे हैं, मतलब काला जामुन। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, मेरे नंदन वगैरह ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत ही टेस्टी बने थे। वैसे मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, बट बहुत अच्छे बनाती हूँ मैं गुलाब जामुन, मतलब गुलाब जामुन ही मेरे मुंह में आता है, काला जामुन। यहाँ पर बस वो पापड़, कुर्डी और क्या क्या रहता है हमारे साइड में, वो फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग खाना बना रहे हैं, दीपाली भी हेल्प कर रही थी मेरी। ये एक ननद है मेरी बड़ी वाली, दूसरी नंदे बाहर थी तो वो शूट ही नहीं करना हुआ। और बस यहाँ पर मम्मी और मेरी ननद वगैरह बातें कर रही थी, और यहाँ पर बच्चे वगैरह भी खेल रहे थे, नंदोई ऊपर वाले रूम में थे। बस मेरा खाना बन जाएगा, उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ जाएंगे। थोड़ा सा खाना बनाने में लेट हुआ, क्योंकि इतने लोगों का खाना बनाना था, और उसमें मैं बाहर भी गई थी ना, तो इसी वजह से, और दीपाली को कुछ इतना पता नहीं था घर का, इसीलिए जब मैं घर पे आई तब मैंने फिर बाकी का स्टार्ट किया बनाना। तो सबसे पहले तो मैंने काला जामुन बनाना ही स्टार्ट किया, और दीपाली ने इधर मसाला वसाला बनाया, फिर हम लोगों ने मिलके सब कुछ किया। दीपाली ने पहले अपना फास्ट का जो साबुदाना खिचड़ी थी वो बना ली थी, और उसके बाद वो खा ली थी, उसके बाद थोड़ी सी उसमें एनर्जी आ गई थी तो उसने फिर हेल्प की। यहाँ पर मेज़ देखो कितना ज़्यादा है, रोटियाँ देखो कितनी ज़्यादा है, तो मतलब इसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने लोग होंगे। बस यहाँ पर सब लोगों को परोसा जा रहा है, दीपाली जल्दी जल्दी से परोस के दे रही है। मेरे आदत देखो कैसी हो गई है, पूरी ऑयली फेस देखो कितना ऑयली हो गया है। टेस्टी बने ना? हाँ, बहुत ज्यादा टेस्टी बने हैं। तो चलो ये तो हो गया, अभी जेंट्स खाना खाने के लिए बैठ गए। वन लाइक फॉर गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, काला जामुन, काला जामुन। हाँ, तो अभी खाना खाने के लिए जेंट्स तो बैठ गया है, और लेडीज थोड़ी देर के बाद बैठेगी, लेट हो जाएगा लेडीज को, क्योंकि लेडीज अभी खाना नहीं खाना चाहती, क्योंकि सुबह थोड़ा सा लेट हो गया था ना इसी वजह से। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आज बहुत थक गई हूँ मैं। आज सारा क्लीन करते करते अभी टाइम हो जाएगा, तो इसी वजह से अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ गाइस अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।